सभी बच्चों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगर मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ बेटा, कोई भी अगर आपके डाउट्स आते हैं, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके बेटा, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यस ब्रेंट, वेलकम टू सूरज स्कूल रेवाड़ी। चलिए स्टूडेंट, आज हम अपना जो टॉपिक है न्यूमेरिकल जो हमारा चल रहा है बेटा, चैप्टर 6 अकाउंटिंग क्वेश्चन, इसका जो लास्ट प्रॉब्लम है हम लोग चेक करने वाले हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग। स्टूडेंट चेक कीजिए बेटा, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के साथ साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑल नो वेरी वेल बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस डियर स्टूडेंट, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारे यहाँ पे, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु ने बिजनेस जो स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे एसेट में कैश जो है वो आने वाला है 150, और इसके साथ साथ हमारे पास कैपिटल भी आने वाला है 150। एनीथिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इज कैपिटल, तो बोथ आर सेम। सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारे यहाँ पे, बोट गुड्स फॉर कैश 80 एंड क्रेडिट 40। तो यहाँ पे टू ट्रांजेक्शन दिए हुए बेटा, हम वन बाय वन करके इनको सोल्व करेंगे। पहले कैश में परचेज किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 150 जो कैश है, इसमें से 80 अगर हम लोग कैश पे परचेज कर लें तो हमारा कैश जो है वो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे 70 कैश हमारे पास आने वाला है। प्लस हमारे पास यहाँ पे अगर स्टॉक हम परचेज करते हैं तो स्टॉक का वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पे स्टॉक हमारे पास 80 होने वाला है। यहाँ पे एज इट इज होने वाला है, नो चेंज। यस, एंड सेकेंड है इसी के अंदर बेटा, क्रेडिट में भी आपने गुड्स परचेज किया है और क्रेडिट में आपने परचेज किया 4000। तो यहाँ पे चेक कर ले बच्चे, क्रेडिट में परचेज करते हैं तो बेटा आपका कैश जो है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपका स्टॉक जो है वो इंक्रीज होने वाला है। स्टॉक यहाँ पे 40 का आपने क्रेडिट में परचेज किया तो 40 और इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पे 120 आपका स्टॉक होने वाला है। साथ में क्रेडिट में जब भी आप परचेज करते हैं, हमारे क्रेडिटर जो हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। क्रेडिटर हमारे जो है इंक्रीज होने वाले हैं साथ साथ 40,000। तो यहाँ पे हमारा जो अभी तक का इक्वेशन है उसमें 70 हमारे पास कैश है, 120 स्टॉक है, 40 हमारे पास क्रेडिटर है, 150 हमारे पास कैपिटल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन हमारे पास थर्ड है। डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.13% ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। यहाँ पे देखिए बच्चे, जब भी आपके सामने ये वाला पॉइंट आता है प्रॉफिट 33.13%, इट मीन्स बेटा 1/3 प्रॉफिट। हाउ बेटा, 33.99 3% के लिए बेटा यहाँ पे 100 का यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रहा है बेटा आपका 1/3 आएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, 75,000 जो कॉस्टिंग है
उस पे हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है वो 1/3, इट मीन्स 25 प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर हम बात करें सिंपल वर्डों में, 75,000 का हमारा स्टॉक, 25 हमें प्रॉफिट उस पे मिलने वाला है, तो टोटल सेल हमारा 1 लाख होगा। अब क्वेश्चन में बताया कि हाफ अमाउंट जो है यानी 50,000 आपको कैश में मिला है, 50 कैश है, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा? रिमेनिंग बेटा आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल वे से देखिए बेटा, सबसे पहले हाफ अमाउंट आपको यहाँ पे कैश मिलने वाला है। हाफ मतलब बेटा यहाँ पे आपका हो गया 50, यस। और आपने जो स्टॉक सोल्ड किया उसकी कॉस्ट कितनी है? 75। तो यहाँ पे हम लोग उसको माइनस करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं, तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू आपकी 45 आने वाली है। अगर हम बात करें अभी बेटा, तो प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ है? 75 का 1 लाख में जा रहा है, तो प्रॉफिट सिंपली बेटा आपको 25 हो रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, यस। अभी देखिए बेटा, हाफ अमाउंट आपको कैश में मिला, तो हाफ क्रेडिट में आपने इसका मतलब सोल्ड किया है। क्रेडिट में जब भी सोल्ड करते हैं डेटर आपके इंक्रीज होने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं बेटा 50,000 से। यहाँ पे 120 होने वाला है, तो ये हमारा इक्वेशन अभी तक करेगा बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। अगेन हमने 10,000 की कॉस्ट का गुड सोल्ड किया है और 12 में किया है बेटा, तो स्टॉक तो 10 कम होने वाला है, तो यहाँ पे 35 आने वाला है। प्लस में हमने क्रेडिट में सोल्ड किया, तो अगेन डेटर हमारे जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, 62 हमारा डेटर होने वाला है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट 2 हुआ हमारे को यहाँ पे, तो प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करने का, ठीक है बेटा, इंक्रीज करेगा यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे इसी इक्वेशन का, आगे हम बात करते हैं, चेक करते हैं बेटा, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड सैलरी 4,000। देखिए बेटा, दीज टू आर एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज रिड्यूस कैश बैलेंस एज वेल एज आपका कैपिटल बैलेंस। यहाँ पे रेंट का पेमेंट किया है और कैश का, आपने बेटा यहाँ पे 6,000 का पेमेंट आपने यहाँ पे करना है, तो यहाँ 6,000 आपने कैश को रिड्यूस करना है, सेम वे से आपने कैपिटल को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर कैश। 20 का स्टॉक हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉक जो है अगेन रिड्यूस होने वाला है, और 18,500 में सोल्ड किया, इट मीन्स कैश हमारे पास 18,500 आने वाला है, यस। अब आपने देखा बेटा, 20 का जो है 18,500, इट मीन्स लॉस हो रहा है, लॉस आपकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। चेक कर ले बेटा, 1,500 लॉस हो रहा है, यस डियर स्टूडेंट, 1,500 हमारे को लॉस यहाँ पे हो रहा है, 1,500 माइनस कर देंगे बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे जो कैश का कैपिटल बैलेंस आने वाला है 169,500 आने वाला है। चलिए बेटा, एक बार आप अपना जो फाइनल इक्वेशन है उसको हम लोग मैच कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। देखिए बेटा, आपका यहाँ पे एसेट में कैश बैलेंस 1,32,500, स्टॉक 15 और डेटर 62 रहेगा बेटा आपका। लाइबिलिटी में कैपिटल क्रेडिटर 40,000 और कैपिटल आपका 169,500। अभी आप लोगों को क्या करना है बेटा, जैसा बैलेंस शीट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। ये लेफ्ट हैंड पे लाइबिलिटी रहेगा, राइट पे हमारा एसेट रहेगा, सिंपल है मेरे बच्चों। क्या करना, देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैश बैलेंस, यहाँ पे ले आएंगे हम लोग कैश 1,32,500।
अगेन बेटा आपको क्या दिया हुआ, स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ले आएंगे 15,000। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेटा यहाँ पे डेटर्स वैल्यू आपको गिवन है 62,000। टोटल आपने यहाँ पे कर लेना बेटा, टू लैख 9,500। अभी लाइबिलिटी को चेक करते हैं। लाइबिलिटी में वी हैव ओनली टू आइटम्स, क्रेडिटर्स 40 एंड कैपिटल। कैपिटल बैलेंस है हमारे पास 1,69,500। चेक करेंगे बेटा यहाँ पे, यस डियर स्टूडेंट बोथ आर इक्वल, इट मीन्स आवर अकाउंट्स आर करेक्ट। हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे करेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन करने हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे कल से, तो हम लोग जो है कल से शॉर्ट क्वेश्चन जो है अपने वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ भी गया होगा बेटा। उसके बाद आपको हम कल जो है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में बात करेंगे, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस करना है। तो आई होप बेटा आप सब बच्चों को अच्छे समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट लग रहा है यू कैन आस्क बेटा, ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।